नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाओ। आज हम जो आपको दिनचर्या बता रहे हैं, यहीं से आपने शुरू होना है और इसको टाइम टेबल मत बना लेना, लिख मत लेना कि ऐसे ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे खाऊंगा। सभी की भूख अलग अलग है, सभी का मनोबल अलग अलग है और सभी की कार्यशैली अलग अलग है। इसलिए अपनी भूख के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। हम रात को सोए सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, जितना हमारे पास समय हो, 2 मिनट हो या 20 मिनट हो। उसके बाद सीधे टॉयलेट जाएंगे, वहां पर जाके कुछ देर के लिए बैठेंगे, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल ध्यान देना। जोर लगाने से आंतें गुदा द्वार के पास आगे फंस जाती हैं, मल बाहर नहीं निकलता। मन को शांत रख के मल को बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर पेट साफ हो जाए, तसल्ली हो जाए तो बात खत्म, बढ़िया। अगर नहीं होता पेट साफ तो ये हमारे पास एक अहिंसक अनीमा है, ये नॉन वायलेंट अनीमा है, ये कोई नुकसान नहीं करता। मेडिकल में जो अनीमा दिया जाता है उसके अंदर साबुन का घोल डाला जाता है, कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो अंदर जाके नुकसान करते हैं। उन कुछ गर्म पानी लोग डालते हैं, उससे भी आंतें कमजोर हो जाती हैं और उनकी ट्यूब का साइज काफी लंबा होता है, पानी काफी प्रेशर से जाता है, आंतें कमजोर हो जाती हैं। ये अनीमा लगातार लेने से भी आदत नहीं पड़ती, लेकिन इसको सीधे नहीं लेना, पहले आज जाके टॉयलेट में बैठना है। अगर तसल्ली हो जाए तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप वहां पर जाके जब पहले बैठोगे आपकी बॉवल हैबिट बनी रहेगी, छूटेगी नहीं। इसका इस्तेमाल हर दिन जब भी करो, इसको हाथ लगाने से पहले सोचो, कल मेरे से क्या गलती हुई जो आज इसकी जरूरत पड़ रही है। मल अगर नहीं निकलता उससे अच्छा है इसको लेना, लेकिन सबसे अच्छा है इसको भी ना लेना। अब सुबह उठ के पेट साफ हो गया, अपने आप हो गया तो अच्छी बात, अपने आप नहीं हुआ तो इसका सहारा लिया, इसके अंदर आधा ग्लास पानी का डाला। इसके आगे एक नोजल है, अभी दिखा देता हूं, तो इसको कहीं दीवार के साथ कील लगा के इसके साथ ऐसे टांग दिया। यहां नीचे तक एयर को बाहर निकाल लें, जैसे ग्लूकोस लगाते समय डॉक्टर लोग निकालते हैं। उसके बाद गुदा द्वार के ऊपर चाहें तो थोड़ा तेल लगा के इसकी नोजल थोड़ी सी, पूरी अंदर नहीं लेकर जानी, आधे से भी कम अंदर ले जाएं, फिर इसकी टूटी को खोल दें। खोलने से ये पानी अंदर चला जाएगा। हाथ को गिल्ला करके पेट के ऊपर थोड़ी क्लॉकवाइज मालिश कर लें। इस तरह की एक नोजल इसके आगे लगी रहती है, तो इसको बाहर निकालते समय टूटी को बंद कर लें, इसको बाहर निकाल दें। पानी आधा ग्लास अंदर चला गया, वो 10-15 मिनट शरीर में रुकना चाहिए पेट के अंदर, उसके बाद इशारा होगा, आप टॉयलेट के लिए जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा। ये तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। उसके बाद आप पार्क में जाएं, छत पे जाएं, जहाँ बालकोनी में जाएं, खुली हवा में जाएं। सबसे बढ़िया पार्क में आके प्राणायाम करें, पार्क के अंदर ही आप खुले कपड़ों में जाएं, सूती कपड़ों में जाएं, ताकि आपके शरीर को वायु तत्व और सूर्य तत्व मिलता रहे। पॉलिएस्टर के कपड़ों से हम सूर्य से और वायु से लाभ नहीं ले सकते, थोड़ा सूर्य की धूप के अंदर जब गर्मी नहीं होती, रोशनी होती है, सुबह सुबह की धूप शरीर के ऊपर पड़ने दें, कितना, जब अंदर के भागों में थोड़ा सा पसीना आ जाए धूप को छोड़ दें। अगर तेज धूप हो तो सर को ढक के रखें,
सूर्य स्नान हो गया, घर के अंदर कुछ प्राइवेट जगह हो वहां पर जाके भी कम से कम कपड़े पहन के सूर्य के की धूप में लेट जाएं सुबह सुबह, 10 मिनट आगे की तरफ 10 मिनट पीछे की तरफ। इसी तरीके से हम सूर्य स्नान ले सकते हैं और वायु स्नान ले सकते हैं। उसके बाद सुबह सुबह समय हो सकता है 7, 8, 9 कुछ भी, हमें कुछ लेने की इच्छा होती है, कुछ भूख का एहसास होता है, तो हम क्या लें? सबसे बढ़िया नारियल पानी, इसको हम नाश्ते के रूप में लें। इसके अंदर एक केले का डंडा होता है, ये फोटो के अंदर दिखाया गया है, इस तरह का केले का डंडा होता है, ये आपको सब्जी की दुकानों पे मिलेगा। तो इसके अंदर 6 इंच उसको काट लें, उसके अंदर से एक ट्यूब का रॉड जैसा रॉड निकलता है सफेद, उसको कद्दूकस करके निचोड़ लें, उसमें से 50 ग्राम रस निकलेगा। एक गिलास नारियल पानी में 50 ग्राम रस वो मिला के घूंट घूंट करके पिएं, आहिस्ता आहिस्ता पिएं, कोई नमक मिर्च मसाला नहीं डालना और उसको निकाल के नहीं रखना। दूसरा, ये सफेद पेठा बहुत बढ़िया मोटापे के लिए, बलगम के लिए, हर तरह के रोग के लिए, केले का डंडा पथरी किसी भी किस्म की हो उसको निकालने के लिए बहुत लाभदायक। तो ये पेठा है सफेद पेठा, इससे हलवाई मिठाई बनाते हैं, वो वाला कच्चा पेठा, सीताफल वाला पेठा नहीं। इसका छिलका उतार लें, अंदर से बीज निकाल दें, जो बीज वाला हिस्सा है इसका गुद्दा, उसके लंबे लंबे फाड़ करके जूसर के अंदर जैसे गाजर का जूस निकालते हैं ऐसे इसका रस निकाल लें। अगर जूसर ना हो तो मिक्सी में निकाल लें, मिक्सी ना हो तो कद्दूकस करके कपड़े में डाल के निचोड़ लें। 250 ग्राम पेठे का रस, 50 ग्राम केले के डंडे का रस इसमें भी मिलाया जा सकता है। और ये बेल पत्थर हैं जो भगवान शंकर पे चढ़ते हैं, इसके 2-4 पत्ते लेके उसको डोरी डंडे में घोट के नारियल पानी में या पेठे के रस में मिला लें, केले का डंडा नहीं मिलता तो। मधुमेह के रोगियों के लिए बेल पत्थर बहुत बढ़िया है। ये कड़ी पत्ता जो साउथ इंडियन कड़ी में डालते हैं, इसके थोड़े से पत्ते लेकर, ये भी इतने के पत्ते लेके, ये भी डोरी डंडे में डाल के घोट के इसका रस निकाल के हम पेठे के रस में मिला सकते हैं या नारियल पानी में मिला सकते हैं। जिनको भूख नहीं लगती, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया। सुबह में नाश्ते में हम रसाहार लेंगे, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं हम पहले गियर में करते हैं, अगर गाड़ी को दूसरे गियर में शुरू करेंगे, तीसरे में करेंगे तो इंजन जल्दी बैठ जाएगा। सुबह सुबह हम पूरी परांठा छोले भटूरों का नाश्ता करते हैं तो इंजन के ऊपर रात को पाचन तंत्र हमारा आराम कर रहा होता है, एकदम से काफी भारी लोड डाल देते हैं, बिल्कुल गलत। सुबह नाश्ते के रूप में आप इसको लीजिए, इसके अंदर 1 किलो दूध जितनी ताकत है, 4 रोटियां जितनी ताकत है, आप इसको पी के देखें, अनुभव करें, आप खुद आके बोलोगे कि पेठे का रस पीने के बाद मेरे को 4 घंटे भूख नहीं लगी। करके देखें, करने के बाद आप बोलेंगे, अभी आपको लगता है इससे क्या होगा, ये तो पानी है, ये नारियल पानी, पेठे का पानी, ये इनका नाम पानी है लेकिन ये भोजन है, आपको कई घंटे तक भूख नहीं लगेगी। हाँ, मेरी किसी बात को ये मत मान लेना कि ये तो ऐसे टाइम टेबल बता दिया, ऐसे ही करना है, रो रो के भी नहीं करना, खुशी से करना। कुछ व्यक्तियों का वजन कम होता है, कुछ महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, कुछ बहनें गर्भवती होती हैं, इस तरह के, और कुछ बच्चों का कद बढ़ रहा है, जो इस स्टेज के अंदर हैं, जिनकी ये अवस्था है, वो ये लेने के 2 घंटे के बाद, घड़ी देखनी नहीं, जब थोड़ा भूख का एहसास हो नाश्ता लेंगे। नाश्ते के अंदर आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, देसी खीरा, देसी टमाटर छिलके सहित काट लें, उसके ऊपर कच्चे नारियल की गिरी जो इसमें से निकलेगी कद्दूकस करके
लगभग 2 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच उसके ऊपर डाल लें, थोड़ा हरा धनिया डाल लें। एक प्लेट सैलेड तैयार हुई, उसके साथ स्प्राउट मूंग मोठ की दाल थोड़ा 4 चम्मच के आसपास वो ले लें, तो ये आपका नाश्ता हो गया।